परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7% रहा है। कला संकाय में 82.74% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 93.95% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। विज्ञान संकाय में 83.93% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले तीनों संकायों के तीनों विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। अलग अलग संकायों को मिलाकर कुल 13,04,586 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कुल 10,91,948 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7% रहा है। अलग अलग संकायवार कला संकाय में 82.74% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 93.95% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। और विज्ञान संकाय में 83.93% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। और वोकेशनल संकाय में 85.25% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस वर्ष तीनों संकायों के टॉप 6 टॉपर्स की सूची भी आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी की गई है। और इस सूची के अनुसार तीनों ही संकायों में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। और वाणिज्य संकाय में 1 छात्रा और 1 छात्र ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 94.8% है। इसी प्रकार कला संकाय में पूर्णिया जिले की मोहत देसा ने पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इन्हें भी 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों के 95% है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने लगातार 5वीं वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। और इसमें कई प्रकारों के नए प्रयोग और परिणाम भी बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष लागू किए गए हैं, जिसमें सभी विषयों की इंडिविजुअल कॉपीज, फोटो और उनके विवरणी के साथ मुद्रित कराई गई थी। सभी कॉपियों का मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, ऑनलाइन तरीके से अंकों की प्रविष्टि की गई थी। कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स और ऐसे फॉर्म्स डिजाइन किए गए थे, जो पूरे देश में पहली बार बिहार बोर्ड ने डिजाइन किए। और उन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को तैयार कर उसको स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग कराई गई और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो पहले की तुलना में 16 गुना अधिक तेज सॉफ्टवेयर बनाया गया था। और इन सबों का यह परिणाम है कि लगातार 5वें वर्ष बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मार्च माह में ही परीक्षा फल लागू किया है, जारी किया है। इसके साथ साथ अन्य भी सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि पूरी तरह कदाचार रहित रूप से स्वच्छ परीक्षा राज्य में संचालित की गई, और उसके साथ साथ सभी पत्रों के 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार कराए गए थे। मॉडल केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, प्रत्येक विद्यालय में 4। और इसके साथ साथ अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, फ्रिस्किंग से लेकर अनधिकृत बच्चों का प्रवेश, उसके अलावा इस वर्ष पहली बार
बीएससी भी यूनिक कोड सभी परीक्षार्थियों को इंटर की परीक्षा से शुरू किया गया और यह एक ऐसा कोड है जो उसी विद्यार्थी के साथ पूरी जिंदगी भर यूनिक आईडी के रूप में रहेगा। इसके साथ साथ ही ऐसे कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है परीक्षाओं में, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज इस परीक्षा फल को जारी किया और माननीय मंत्री महोदय का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार इस पूरी प्रक्रिया में मिलता रहा है, जिसके कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करने की कार्रवाई की है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन सभी पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर और जो भी परीक्षार्थी इस वर्ष टॉप 6 स्थानों को प्राप्त किए उनमें फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले तीनों संकायों के तीनों विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ईबुक रीडर प्रदान किया जाएगा और तीनों संकायों के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा और तीनों संकायों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए, उसके साथ साथ 1-1 लैपटॉप और 1-1 किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा 4th, 5th और 6th ये तीनों स्थान प्राप्त करने वाले को परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए और 1-1 लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।